अगर आप फिर से बचपन की नानी या दादी की यादें जीना चाहते हो तो इस एक्सप्लेनेशन को पूरे अंत तक जरूर देखें। आज की मूवी द वे होम, ये 2002 की मूवी इसी सब्जेक्ट पर है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.8 है और सब लोगों ने इस एक्सपीरियंस को जिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मदर और सन एक बस में दिखते हैं, ये गाँव जा रहे होते हैं। ये जो गाँव होता है ये सन की नानी का गाँव होता है। समू फिर अपने मदर से पूछता है क्या वो डेफ है, क्या वो सुन नहीं पाती है, क्या वो स्केरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछ रहा होता है। उसकी मदर उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देती। इस बस में हम जब देखते हैं तब सब गांव के लोग होते हैं। बस में इन्होंने एनिमल्स भी लाए हुए होते हैं। संगू को ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। संगू और उसकी मदर एक सिटी में रहते हैं और वो गाँव आ जाते हैं। संगू अपनी नानी के पास फर्स्ट बार आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली संगू की मदर उसकी नानी से बात करते हुए दिखती है। वो उसे कहती है कि अब मैं सिटी में रह रही हूँ पर मेरे पास जॉब भी नहीं है। वो अब संगू का ख्याल नहीं रख सकती है, तो थोड़े दिनों के लिए जब तक वो जॉब ढूंढ ले तब तक वो नानी के यहाँ संगू को छोड़कर जाने वाली होती है। संगू की मदर थी वो बहुत ही छोटी थी तब से उसकी मदर को छोड़कर चली गई थी। एक आदमी से उसे प्यार हो गया था और उससे उसने शादी कर ली थी। फिर संगू की नानी पूछती है कि वो कहाँ गया। मदर बोलती है कि मेरा उससे बहुत ही पहले ही डिवोर्स हो चुका था। अब थोड़े दिनों के लिए संगू यही रहने वाला है तो इसके लिए कैन फूड्स, प्रेटजल्स वगैरह ये सब फास्ट फूड उसे लिए छोड़ कर जाती है। नानी बहुत ही बूढ़ी है तो उसकी नरिशमेंट के लिए भी उसने क्रीम्स वगैरह लाई हुई होती है। नानी संगू के हेड पर हाथ रखने की कोशिश करती है पर संगू उसे झटक देता है। वो कहता है कि ये बहुत ही डर्टी है। मदर उसे बहुत ही डांटती है। संगू की मदर फिर उसे कहकर जाती है कि नानी को ज़्यादा तकलीफ मत देना। संगू बहुत ही अच्छा लड़का है ऐसा अपने मदर को कहकर वो वहाँ से फिर चली जाती है। जब संगू और नानी दोनों उसकी मदर को छोड़ने के लिए आते हैं तब नानी उसे बात करना चाहती है। नानी अपने पेट पर हाथ फेराती है पर ये जो जेस्चर है ये अभी तक संगू को पता नहीं है कि ये क्या है, तो उसे वो पागल है, रिटायर्ड है ऐसा बुलाता है। रात में नानी संगू के लिए बहुत सारा खाना बनाती है पर ये कुछ भी नहीं खाता। जो कैन फूड उसकी मदर ने उसे दिए थे यही वो खाता रहता है। नानी के घर पर जो टीवी होता है वो भी ऑन नहीं होता। संगू ने कुछ खाया नहीं होता तो उसके लिए वो थोड़ी सी स्वीट्स लाती है पर यह भी वो ठुकरा देता है। अपना फिर गेमिंग कंसोल निकालता है, उसका गेम खेलने लग जाता है। जब रात होती है तो उसे पॉटी आती है। रात में उसे कुछ डर ना लगे इसीलिए नानी वही बैठती है। संगू रात में अपनी मदर चली गई है इसलिए बहुत रोता है। नेक्स्ट दिन सुबह हमें नानी पानी भरी ये देखता है। ये बहुत ही बूढ़ी होती है और एक कंधे पर वो पानी लेकर जा रही होती है। वहाँ फिर एक नेबर का छोटा सा बच्चा आता है। वो नानी के लिए उसने बहुत सारे सेब लाए हुए होते हैं। वो संगू के बारे में पूछता है। संगू के पास जाकर वो बैठ जाता है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ में खेलना होगा तो मुझ में खेल सकते हो। संगू एक टॉय के साथ खेल रहा होता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। संगू उसे टॉय को हाथ नहीं लगाने देता। इस नेबर के लड़के के पास एक डॉग भी होता है। संगू उसके भी लात मार देता है। संगू अकेला ही दिन भर स्केटिंग शूज के साथ खेलता रहता है। नानी का जो रूटीन होता है साफ सफाई करना, सब काम करना, ये वो ख़त्म कर लेती है। संगू जब सोता है तो संगू के जो टॉयज होते हैं उससे वो खेलने लग जाती है। रात में नानी नीडल से कुछ स्टिच करना चाहती है इसीलिए नीडल में जो धागा होता है वो अंदर नहीं डाल सकती। उसके जो विजन होती है वो बहुत ही कम होती है। नानी जो है ये बात भी नहीं कर सकती, ये बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है तो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। संगू अपना गेम खेल रहा होता है और वो उसे थोड़ा सा हेल्प कर देता है। उसे फिर एक कॉकरोच देखता है और वो बहुत ही डर जाता है। नानी फिर इस कॉकरोच को उठा लेती है। संगू इस कॉकरोच के लिए मारने के लिए बोलता है पर नानी का दिल साफ होता है, वो कभी भी किसी को मार नहीं सकती इसलिए उसे बाहर छोड़ देती है। संगू जिस गेमिंग कंसोल पर गेम खेल रहा था उसकी बैटरी सब खत्म हो जाती है। नेक्स्ट दिन फिर अपनी नानी को बहुत ही परेशान करता है। वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे हो जाता है। उससे पैसे वो मांग रहा होता है पर नानी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते। पूरा घर वो छानता है, पैसे उसे कहीं भी नहीं मिलते। इसे अब नानी पर बहुत गुस्सा आता है। नानी के जो शूज़ होते हैं वो लेता है और वो फर्नेस में डाल देता है। एक ब्यूटीफुल पॉट नानी के पास होता है, वो भी वो नीचे गिरा कर तोड़ देता है। उसके पास पैसे नहीं होते पर नानी की जो हेयर क्लिप होती है वो चांदी की होती है और इसे बेचकर वो अब बैटरीज खरीद सकता है, इसलिए वो गाँव में जाने लगता है। एक बूढ़ा आदमी होता है, उसे रास्ता दिखाता है कि कैसे उसे गाँव में जाना है। गाँव में जाने के बाद बहुत सारी दुकानों में घूमता है पर कहीं भी उसे बैटरीज नहीं मिलती। नानी नींद से उठती है तो उसकी हेयर क्लिप उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो अपने हेयर्स पर झाड़ की एक काड़ी लगा लेती है, उससे ही काम चला लेती है। संगू गांव में होता है पर घर कैसे जाए यह अब वो रास्ता भूल चुका है। जिस ओल्ड मैन ने उसे रास्ता दिखाया था वही उसे फिर से दिखता है और ये ओल्ड मैन फिर उसे अपनी नानी के यहाँ लेकर जाता है।
इस गांव में हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। संगू जब सोया होता है तो नानी उसके पास आती है, उसके सर पर हाथ रखती है। संगू उठ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। नानी उसके खाने के लिए पूछती है, पर संगू कहता है कि तुम नहीं खाना ला सकते, उसे पिज्ज़ा, हैंगबर्गर, कंटकी चिकन चाहिए। नानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। संगू के पास ये जो सब मेन्यू है, इसका इमेज होता है। यह इमेज फिर वो नानी को दिखाता है। नानी इसमें से चिकन पहचान लेती है। वो हाथ से जेस्चर करती है और क्या तुम्हें हैन खानी है, ये उससे पूछती है। संगू भी अब खुश हो जाता है कि आज उसे चिकन मिलने वाला है। नानी फार्मिंग करती है, उसके पास जो भी पंपकिन वगैरह होते हैं वो सब वो पैक करती है और गांव में चली जाती है। ये वक्त वहाँ से मुर्गी लेकर आती है, इसे बनाती है, कुक करती है और संगू के पास लेकर आती है। संगू जब इसे देखता है तब वो उसे बोलता है कि ये मुझे नहीं खाना था। वो रोने लग जाता है। वो कहता है मुझे फ्राइड चाहिए था, ये तो बॉइल्ड है, ये कंटे की चिकन जैसा कुछ भी नहीं होता, तो इसके लिए इसे कुछ भी नहीं खाना होता। नानी ने उसके लिए राइस भी बनाया होता है, ये भी वो नीचे फेंक देता है। भूखा ही वो सो जाता है, पर रात में उसे फिर से भूख लग जाती है और ये खाना खा लेता है। नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है तब नानी उठ नहीं रही होती है, वो बहुत ही बीमार हो चुकी होती है। संगू फिर उसका ख्याल रखता है, उसे चादर बंगराता है, उसके पैर भी वो अच्छी तरह से कवर कर देता है, उसके सर पर वो क्लॉथ वगैरह रखता है। जब वो देखता है कि नानी के पास प्रॉपर हेयर क्लिप नहीं है तो उसने जो चुराई थी वो फिर से वही लगा देता है। नानी को खाना चाहिए तो इसलिए बचा खुचा जो चिकन होता है वो रेडी करता है। संगू माउंटेन पर घूमता है, वहाँ उसे एक लड़की देखती है, ये इसी की एज की होती है। वो घर घर खेल रही होती है, वो उसके पास जाता है, बात करना चाहता है। इसके जो टॉयज होती है इस पर इसका पैर आ जाता है, ये लड़की उस पर बहुत चिढ़ जाती है। संगू उसे सॉरी भी नहीं बोलता, संगू सही करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता, तो लड़की उसे कहती है तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए था। ये उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे खेलोगी, वो कहती है कि नहीं, तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया है और इस घर घर के खेल में तुमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता। संगू उसे पूछता है क्या तुम गंडे की चिकन बना सकती हो, वो कहती है कि नहीं पर मैं खा सकती हूँ। मूवी के फर्स्ट में जो नेबर का लड़का हमें दिखाया गया था वो इस लड़की का फ्रेंड है। संगू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, ये लड़की उसे कुछ भी नहीं बोलती है। हिल पर ये नेबर का लड़का जो होता है ये आगे भागता है और उसके पीछे एक गाय आ जाती है। ये भागते भागते हिल के ऊपर आ जाता है और गाय से अपना पीछा छुड़वा लेता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि नानी और संगू ये दोनों सिटी में जाने वाले होते हैं। नानी जो फार्मिंग करती है वहाँ से वो पम्पकिन निकालती है और ये पम्पकिन वो सेल आज करने वाली होती है। नानी के साथ और भी कुछ औरतें फिर वहाँ आ जाती है और ये सब अब सिटी में आ जाते हैं, एक बाजार में वो आते हैं। संगू फिर से उस लड़की को इस बाजार में देखता है, नानी को उसकी हेल्प चाहिए होती है, उसे हेल्प नहीं करता। नानी को खुद ही पम्पकिन वगैरह उठा कर लेकर जाने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद संगू देखता है कि जो पम्पकिन नानी सेल कर रही थी वो बिक नहीं रहे, इसे बहुत ही बुरा लगता है। पर फिर भी हमें नेक्स्ट सीन में वो एक शूज़ के शॉप में दिखता है, एक शूज़ वो पहन रहा होता है और उसे ये पसंद भी आते हैं। नानी फिर संगू को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है, उसे जो अच्छा लगता है वो खाना उसे खिलाती है। जो सब नानी के पास पैसे होते हैं ये बहुत सारे पैसे इस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। संगू को बहुत ही बुरा लगता है, उसे एक बैटरीज की शॉप भी दिखती है, पर अपनी नानी को और उससे तंग नहीं करना होता इसीलिए इस बार वो बैटरीज की जिद नहीं करता। नानी फिर संगू को बस पर बिठाती है, बस ड्राइवर नानी को कहता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है उसने तुम्हें मिलने को बुलाया है। नानी संगू को पूछती है क्या तुम्हें कुछ खाना है, संगू कहता है कि मुझे चौको पाई चाहिए। नानी फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है कि जो फ्रेंड होती है उसकी ग्रोसरी शॉप होती है। नानी की फ्रेंड और नानी बातें करने लग जाते हैं। नानी अपने फ्रेंड से उसके पैरों के बारे में पूछती है, नानी के फ्रेंड के पैर सही से नहीं होते, उसकी नीज में बहुत ही पेन होता है। नानी के फ्रेंड को संगू के बारे में पता होता है, उसे कहती है कि मुझे मिलवाने के लिए तुम्हें उसे लाना चाहिए था। नानी उसे चोको पाई पूछती है, नानी की फ्रेंड उसे बहुत सारे चोको पाई दे देती है, उसे पैसे नहीं ले रही होती तो नानी अपना पम्पकिन उसे दे देती है। संगू के साथ जो लड़की थी वो भी बैठ जाती है। नानी जब बस में चढ़ती है तो संगू उसे कहता है कि तुम अगली बस में आना, मैं आज उस लड़की के साथ बैठना चाहता हूँ। नानी से वो चोको पाई ले लेता है और नानी को अकेला छोड़कर ही वो जाने वाला होता है। नानी के पास जो भी बचे हुए पम्पकिन होते हैं वो संगू को देना चाहती है, पर संगू उसे पिकअप नहीं करता। संगू फिर गाँव आ जाता है, वो बहुत अपने नानी का वेट करता है और बहुत ही टाइम हो जाता है, तब तक वो उसके पास नहीं आती है। वो वरीड हो जाता है, और भी समय गुजर जाता है और फिर नानी की गाड़ी उसे दिखती है। अब उसे बुरा लग जाता है, नानी के पास जो बैग होती है वो उठा लेता है। नेक्स्ट दिन जो लड़की थी वो नेबर के लड़के से बात करती है, ये संगू को बहुत ही जेलस फील होता है। ये नेबर का लड़का हिल से ऊपर जा रहा होता है, संगू चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारे पीछे काऊ है,
ये लड़का भागते भागते ऊपर जाता है। इसे लगता है कि सचमुच में उसके पीछे काऊ है, पर सही में काऊ उसके पीछे भी लग जाती है। सुंग को लगा था कि उसका मजाक उड़ाएगा, पर ये सक्सेस नहीं हो पाता। इस सब अटेंड में सुंग का जो टॉय होता है यही उसके पैर के नीचे आ जाता है और टूट जाता है। जब रात होती है तो सुंग को पॉटी आती है। वो डरता है तो अपनी नानी को बुलाता है, अपने पास उसे बैठने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिन फिर से नेबर का लड़का हिट से ऊपर चढ़ रहा होता है तो संगू फिर से चिल्लाता है कि तुम्हारे पीछे काऊ है। ये लड़का फिर भागता है और भाग कर गिर जाता है। संगू के पास फिर वो आता है और उसे कन्फ्रंट करना चाहता है। संगू कुछ भी नहीं बोलता। नानी ने अपने छाती पर हाथ रखा था और गोल गोल घुमाया था। ये जेस्चर संगू को समझ में नहीं आया था। यही जेस्चर वो उस लड़के को करता है और वहाँ से भाग जाता है। जो लड़की थी ये संगू से खेलना चाहती थी, पर वो उसके साथ आज खेल नहीं पाया। जब रात होती है तो संगू को बहुत ही अच्छा लगता है कि उस लड़की के साथ अब वो खेल सकता है। संगू फिर बहुत ही अच्छे से रेडी होता है। उसके जो बाल होते हैं ये ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। नानी को ये सब वो बोलता है। नानी कैंची लेती है और एक कांपने लग जाती है। संगू उसे बोलता है कि ज़रा छोटे छोटे कांपना। नानी उसका अलग ही हेयर कट कर देती है। संगू जब उसका हेयर कट दिखता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही घटिया लग रहा है। वो नानी पर चिढ़ जाता है। रोते रोते वहाँ से अंदर चला जाता है। रात में नानी उसको पैक कर रही होती है। वो संगू को देती है पर संगू एक्सेप्ट नहीं करता। संगू को उस लड़की से मिलना ही होता है। वो एक क्लोथ वो लेता है और अपने सर पर रख देता है। उसके हेयर्स अगर उस लड़की को नहीं दिखेंगे तो ये वियर्ड नहीं लगेगा। जिस क्लॉथ को वो ट्राई कर रहा था इसी क्लॉथ को लेकर नानी किसी से मिलने जा रही होती है। नानी का एक ओल्ड फ्रेंड होता है जिससे वो मिलने जाते हैं। अपने फ्रेंड से वो कैसा है ये सब नानी पूछती है। वो ओल्ड फ्रेंड कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब सब पर बोझ बन चुका हूँ। संगू की मदर ने नानी के लिए जो नरिशमेंट्स लाए थे वो सब इस ओल्ड फ्रेंड को दे देती है। वो कहता है कि इसकी ज़रूरत तो तुम्हें है। नानी कहती है ये बहुत साल तक जीने वाली हो, मुझे इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये सब वो जेस्चर्स में कहती है। दूसरे दिन संगू अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। उसके लिए वो टेडी बेयर भी लेकर जा रहा होता है। उसके पास एक कार्ट होता है जिसको ओढ़कर वो लेकर जा रहा होता है। जब हील आती है तो उसे लगता है इस पर बैठकर उसे नीचे जाना चाहिए। उस पर बैठ जाता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत ही लग जाता है। हिल पर ही काऊ उसके पीछे लग जाती है। अब वह ज़्यादा फास्टली दौड़ भी नहीं सकता और गिर जाता है, ज़मीन पर झुक जाता है। जो नेबर का लड़का था वो ये सब देख लेता है। उसे बचाने के लिए वो आ जाता है। समूह कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था इसके लिए मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ। ये लड़का कहता है कि फिर तुम्हें दो बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। समूह रोते रोते जब घर आ रहा होता है तो अपना गेमिंग कंसोल देखता है जो नानी ने पैक किया था। इस गेमिंग कंसोल के नीचे नानी ने पैसे रखे हैं। वो जब घर आता है तो नानी उसके पास आती है। सब उसके घाव देखती है। उसके लिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। नानी उससे कितना प्यार करती है ये देखकर वो रोने लग जाता है। एक लेटर संगू के लिए आया हुआ होता है और उसका मदर का होता है। उसकी मदर उसे लेने के लिए फिर से वापस आने वाली होती है। अब नानी उसे बहुत ही अच्छी लगने लगी है। नानी को वो फिर कुछ लिखना सिखाता है। उसे कहता है कि तुम बोल नहीं सकती और फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती, तुम जब बीमार होगी तो मुझे लेटर लिख देना, मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगा। और अगर तुम कुछ भी लिख नहीं पाए, बहुत ही ज़्यादा तुम बीमार होंगे, तो एक ब्लैंक लेटर मुझे सेंड कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि तुम बीमार हो और मैं फिर से आ जाऊँगा। नानी के लिए निडल में धागे बांधना यह बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। संगू उसके लिए बहुत सारे धागे बहुत सारे निडल्स में घूम देता है जिससे नानी को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट दिन संगू की मदर उसे लेने के लिए आ चुकी है और यह सब हमें बस स्टॉप पर दिखते हैं। संगू की मदर नानी को कहती है कि आपने आपका ख्याल रखना, जो नरिशमेंट मैंने तुम्हें दी है वो खाते रहना और तुम्हें ज़रा वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं। अपने आप का ख्याल रखने के लिए उसे बोलती है। जब बस आती है तो मदर संगू से कहती है कि तुम्हें नानी से कुछ बोलना नहीं है। संगू कुछ भी बोल नहीं रहा होता। वो बस में बैठ जाता है। संगू के खिड़की के पास नानी आती है। वो उससे बात करना चाहती है पर संगू उसे अटेंशन ही नहीं देता। संगू को बहुत ही बुरा लग रहा है कि नानी को ऐसे छोड़कर ही अब उसे जाना पड़ रहा है। जब बस आगे निकलती है वो पीछे की खिड़की पर संगू आ जाता है, नानी को हाथ देता है और उसे बाय करता है। नानी को बहुत सारे कार्ड्स वो देकर जाता है। नानी जब घर आती है तो वे कार्ड्स देखती है। ये जो कार्ड्स होते हैं ये पोस्ट कार्ड्स होते हैं। जब भी नानी बीमार पड़े तो ये पोस्ट कार्ड वो सेंड कर सकती है। इस पर रोने के हंसने के बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जब भी नानी को संगू की याद आए तो वो कैसी है इस फीलिंग्स को जताने के लिए ये कार्ड्स वो संगू को भेज सकती है। नानी को संगू ने बहुत ही तकलीफ दी थी, हमें पता है कि नानी या दादी का दिल कैसा होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये मूवी थी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि सब वीडियोज़ आपको मिलते रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।